चैप्टर टू भी कंप्लीट हो चुका है तो इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं पहला आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर व्हेन वाज सर सैयद अहमद ख़ान बॉर्न एटीन हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडियन मुसलमान विलियम विल्सन हंटर द मैगजीन दैट सर सैद इस्टैब्लिश वॉज कॉल अखलाक हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एम ए कॉलेज एच आई सिडन्स हु वाज द फाउंडर ऑफ सिंध इस्लाम हसन अली एफंदी दूसरा आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर इज़ हिज हिज़ फादर्स डेथ सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड वर्किंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1855 सर सैयद वाज़ ग्रांटेड द डे व्हिच वाज़ द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन ब्रिटिश इंडिया सदर अमीन इन ऑर्डर टू मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मुस्लिम्स Sir Sayyid wrote, Cause of Indian Revolt. The founder of Anjumani Tar e Urdu was Maulana Abdul Hak. The first Chancellor of Aligarh Muslim University was Sultan Jahan Begum. The founder of Nadwatul Ulema Lucknow was Maulvi Abdul Ghaffar. Darul Ulum Deoband was established in the year 1866. Question number three. He stated the correct answer for the points in the last column. पहला आपके पास है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इसका आंसर है एटीन एटी सिक्स इस्टेबलिशमेंट ऑफ़ एम ए कॉलेज एटीन सेवेंटी फाइव इस्टबलिशमेंट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नाइनटीन द फाउंडर ऑफ सिंध मदरसतल इस्लाम हसन अली एफंदी द फाउंडर ऑफ नदवातलमा मौलाना अब्दुल गफ़ार उसके बाद है गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वन एंड वी आर वॉज सर सैयद अहमद ख़ान बोर्न इसका आंसर पेज नंबर नाइनटीन पे है फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ जिसका तो जो उनवान है सर सैयद अहमद खान है तो इसका फर्स्ट लाइन आपका आंसर है सर सैयद वाज बोर्न इन 1817 इन दिल्ली इन हुसैनी सैयद फैमिली क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास वी आर एंड हुटैब्लिट द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आप क्वेश्चन में सही आंसर लिखेंगे द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट अलीगढ़ बाई सर सैयद अहमद खान नंबर थ्री है विच बुक डि सर सैद राइट इन ऑर्डर टू क्रिएट गुड विल अमंग्स द ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स इसका आंसर आप लिखेंगे सर सैयद रॉड द काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्व टू रिमूव द मिसअरस्टैंडिंग्स ऑफ ब्रिटिश टूअर्ड्स द मुस्लिम्स एंड टू क्रिएट गुड वेल्स अमंग द ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर्ड बाय एम ए कॉलेज एंड अलीगढ़ व्हाट अदर इंस्टीट्यूशंस वर इस्टिश्ड स्टेट दियर नेम्स एंड हु हुयर फाउंडर्स वर इसका आंसर आप लिखेंगे सिंध मदरतल इस्लाम वाज इस्टिश्ड बाय हसन अली एफंदी दारलोम देवबंद वाज इस्टैब्ल बाय मौलाना मोहम्मद कासिम मौलाना रशीद अहमद हाजी सैयद आबिद हुसैन लास्ट है आपके पास वेन एंड बाय होम दारुल दारलोम देवबंद इस्टैब्लिश्ड इसके लिए आप पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आएंगे जहाँ पे लिखा है दारुल देवबंद इसके फोर्थ लाइन से आप लिखेंगे

आप लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ से द ब्रिटिश ब्लेम्ड द मुस्लिम फॉर द वॉर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी पेज के आखिर तक जहाँ पे लिखा है रिलीजियस एंड स्परिचुअली यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर वन आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द बैकग्राउंड ऑफ सर सैद टू नेशन थ्योरी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे आप स्टार्ट करेंगे सर सैद एंड द टू नेशन थ्योरी फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद आप सेकंड पैराग्राफ स्किप करेंगे फिर थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे जाकर आप फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक यानी फर्स्ट पैराग्राफ तक आपका आंसर नंबर टू है जहां पे लिखा है सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री है शेड लाइट ऑन दार्ड सर सैयद प्लेड इन द रिनाइजेंस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया पेज नंबर ट्वेंटी पे जो आपका क्वेश्चन है नंबर um, थ्री का आंसर है ये पूरा पेज यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सर सैयद अहमद खान आप हेडिंग नहीं देंगे बस यहां से आप स्टार्ट करेंगे इन द ईयर्स यहां से स्टार्ट करने के बाद इसी पेज के आखिर तक रिलीजियसली एंड स्पिरिचुअली यहां तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द डिटेल्स ऑफ हाउस इन मदरसतुल इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश्ड पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे है सिंध मदरसतुल इस्लाम एटीन एटी फाइव पूरा टॉपिक आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का आप यही से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे ये एंड हुआ है फ्रॉम हिज प्रॉपर्टीज तक यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय उलूम देवबंद इसके लिए आप पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आकर जहाँ पे लिखा है दारुल उलूम देवबंद इसके सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन से आप स्टार्ट करेंगे दारुल उलूम देवबंद वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहां से आप स्टार्ट करने के बाद पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे जाएंगे इसका फर्स्ट लाइन जहाँ पे ख़त्म हुआ है ब्लॉक्ड वर आल्सो एडिट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है देन लास्ट आपके पास क्वेश्चन है इस चैप्टर का राइट अ नोट ऑन द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे आपके पास एक टॉपिक है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस दो पैराग्राफ पर मुश्तम है ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का तो ये करने के बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा